लेकिन यहाँ पर जो आपके 12th क्लास सीबीएसई में है बिल्कुल जनरल आइडिया है, मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया, बस सिर्फ आपको आइडिया देना है कि ये क्या होता है। तो कॉनिक सेक्शन चार तरह के हैं, एक तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल। ये सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट देखो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे that its distance from fixed point is always constant fixed point is called सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल और फिक्स डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस के बारे में। ये लिख लो इसको यार। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। Fixed point is called center of circle and constant distance. बता रहा हूँ, it's called radius of circle. और constant distance आपकी radius के लिए। तो ये circle की definition होगी। लिखो लिखो, यहाँ से चालू किया। अब जो लोकस की बात कर रहे हैं, लोकस का मतलब होता है पाथ। लोकस मतलब कोई भी चीज जो पाथ फॉलो करती है। जैसे अपने आप बोल रहे हैं कि कार एक सीधी सीधी चल रही है, तो टायर से क्या बनेगा? पैरेलल लाइंस बनेगी, तो वो उसका क्या हो गया? पाथ हो गया। तो जो कांस्टेंट डिस्टेंस बन रही है, जो पाथ बना रहा है, उसको हम बोलते हैं लोकस। तो सर्कल क्या बोल रहा है? सर्कल इस तरह से एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, ये जैसे ये पॉइंट, ये सेंटर और ये पॉइंट पी। सेंटर सपोज एच कोमा के और ये है आपका एक्स कोमा वाई और ये सीपी डिस्टेंस मैंने मान लिया आर। सीपी इक्वल टू आर, फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस को मैंने आर सपोज कर लिया, तो CP इक्वल टू आर। तो CP इक्वल टू आर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर है इसका एच कोमा के और रेडियस है आर, रेडियस इक्वल टू आर, सेंटर एच कोमा के एंड रेडियस इक्वल टू आर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। या सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। लिख लीजिए यहां तक। Find the equation of circle whose center is -3,4 and radius is 7 units. Radius is 7 units. Equation of circle whose center is -3,4 and radius is 7 units. तो आपकी equation of circle हो जाएगी x -3 का whole square plus y -4 का whole square equal to 7 का square। x माइनस ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओपन कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 49। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 49 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपकी इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे यदि आपको सेंटर गिवन है। बहुत अच्छा है ये, क्या जी इसमें है क्या जी, ये आर्ट थोड़ी
सीधा सीधा आपको सेंटर गिवन है, रेडियस इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, फॉर्मूला लगा यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन क्लियर है बेटा यहां तक? यस इधर का हटा रहा हूं और देखो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एट वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। इसका मुझे सेंटर और रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। पहले ये लिखना, इसका हमें सेंटर और रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। अब ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, पहले समझेंगे हम। भाई सर्कल की एक कंडीशन है, सेंटर और रेडियस तभी आएगा जब आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम आएगा, पहली बात। तो क्या आ रहा है, सबको टू से डिवाइड कर दो ताकि ये हट जाएगा ना, डिवाइड बाई टू। ये मैंने टू से डिवाइड कर दिया, या पहले इतना लिखो, फिर उसके बाद पहले वो लिखना, फिर इसके बाद बताते हैं भाई किस तरह से निकालेंगे इसकी सेंटर रेडियस। सभी को टू से डिवाइड कर दो, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं, पहले देख ले बेटा फिर लिख ले। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाई टू एक्स, इनको एक साथ लिखो। वाई स्क्वायर ये कितना हो गया, एट बाई टू, और कांस्टेंट को उधर ले जाओ। पहला काम ये करना। अब सुनो मेरी बात, अब यहां के बाद इंपॉर्टेंट है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है तो उसका आधा कर दो, आधा सेवन बाय टू का आधा, बोलो सभी बोलो, सेवन बाय फोर बोलो, क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू एक्स, सेवन बाय फोर का स्क्वायर मैं इधर भी ऐड कर दूंगा और इधर भी कर दूंगा, क्यों कर दूंगा अभी समझ में आ जाएगा। जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसको आधा कर दो, सेवन बाय टू डिवाइड बाय टू कितना हो गया, सेवन बाय फोर, उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया उधर भी ऐड कर दिया, प्लस ये तो ये हो गया, बोलो फोर का आधा, तो टू का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, क्यों कर दिया अभी समझ में आ जाएगा। ये बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू ए बी, और ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसलिए कराइए। जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो उधर भी कर दो, और इसका आधा का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो उधर भी कर दो, तो ये बन गया बेटा x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर, और ये बन गया y प्लस टू का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लो, नाइन बाई टू प्लस फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन प्लस फोर, इसको रफ में सोल्व कर लो चाहे कैसे भी कर लो, इसको लिख लीजिए यहां तक, मैं इधर रफ में सोल्व कर रहा हूँ, 16 एलसीएम आ गया, 72, 49, 64, 72 और 49 हो गया आपका 141 प्लस 64 205, तो ये आ गया हमारा x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस y प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 205 बाई 16, 205/16। वास्तव में रोज ना इतना लेट छूटता है वहां से क्या यार, तो उसने बोल रही नहीं, तो कुछ पूछना ही बेकार है यार, मैं पूछता हूँ तो क्या, अरे मैं बोल रहा हूँ रोज ना इतना लेट छूटता है, 25 हो चुके हैं तो उनसे बोलना भाई कि मेरी 3 बजे क्लास होती है, 3:10 पे क्यों छोड़ते हैं, कौन किसके आ जाता है, लिख लिख बेटा फिर अब तेरे लिए रुका हुआ हूँ, लिख सर्कल लिख फिर ये लिख, अब देखो x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर, जगह का है यहां पर लिखू, x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस y प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 205 बाई फोर का होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लो, सेंटर क्या आ गया, इससे कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो यहां पर लिखो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, सेंटर हो गया भाई एच हो गया आपका सेवन बाई फोर, के हो गया माइनस टू, और आर हो गया रूट 205 बाई फोर, सो सेंटर इज सेवन बाई टू कोमा माइनस टू, और रेडियस रूट 205 बाई फोर यूनिट। रूट 205 बाई फोर यूनिट, ये सेंटर और रेडियस हो गया उसका। अभी दोबारा करेंगे एक और प्रॉब्लम, तो उससे और क्लियर हो जाएगी, करना आपको हर एक जगह यही है सेंटर और रेडियस निकालने, इस वाले चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यही करना। यहाँ पर आपको पूरा पैराबोला सर्कल नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ सिर्फ बेसिक आइडिया दिया जाएगा सबका, पूरा पढ़ाने में तो मैं पूरा भी पढ़ा दूं, लेकिन अभी सीबीएसई में है नहीं आपको,
बाकी इनका तो इतना है कि यही है पूरा आईआईटी, सब यही भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट एको करते हैं इसी टाइप का। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई प्लस 11 इक्वल टू जीरो या प्लस 3 इक्वल टू जीरो। इसका मुझे सेंटर और रेडियस निकालना। पहला काम वही करना है जो भी x और y के कोफिशिएंट है, x स्क्वायर और y स्क्वायर के, डिवाइड बाय 2 क्यों 5 डिवाइड बाय 5। चलिए फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई प्लस 3 इक्वल टू जीरो प्लस 3 इक्वल टू जीरो। Divided by 5, x square plus y square minus 6 by 5 x plus 9 by 5 plus 3 by 5 equal to 0। अब हमने क्या बोला, x square के साथ x वाली term, y square के साथ y वाली term और बाकी कांस्टेंट उधर की तरफ। एक्स का कोफिशिएंट बोलो भाई, एक्स का कोफिशिएंट सभी बोलो 6/5। 6/5 का आधा 6/10। 3/5, 6/5 का आधा 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो और इधर भी ऐड कर देंगे। फिर 9/5 का आधा 9/10, तो 9/10 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे। ये पहला काम करना है, इसमें कोई दिक्कत? जो भी x का कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, और जो y का कोफिशिएंट है उसका आधे का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। तो ये हो गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, y प्लस 9/10 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू माइनस 3/5 प्लस 9/25 81/100। यार अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 100 एलसीएम आ गया, ये आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर
वाई प्लस नाइन बाय टेन का होल स्क्वायर, 100 एलसीएम आ गया, माइनस 60 प्लस 36 प्लस 81, एक्स माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9/10 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 117 माइनस 60, 57/100। ये आ गया आपका x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 9/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 57/10 का होल स्क्वायर। नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इससे हम कंपेयर कर लेंगे। बोलो h की वैल्यू प्लस 3/5, कंपेयर करो, k का वैल्यू माइनस 9/10 और r का वैल्यू रूट 57/10। नाउ व्हाट इज द सेंटर, सेंटर आ गया आपका 3/5 कॉमा माइनस 9/10 और रेडियस आ गया रूट 57/10, रेडियस रूट 57/10, ये सेंटर और रेडियस आ गया। तो ये तरीका है बेटा सेंटर और रेडियस निकालने का, और ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। भाई एक और इक्वेशन होती है लेकिन वो हमें इस एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन अपन बताएंगे तो सही, क्योंकि उससे सेंटर और रेडियस निकालना बड़ा आसान हो जाता है। लिख लिया भाई सबने, हो गया समझ में आ गया कैसे निकाला। अब लिखो जनरल इक्वेशन, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन अपन को देख लेनी चाहिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर आता है माइनस जी माइनस एफ, अभी निकाल के बताएंगे, इसको भी प्रूव करके बता देंगे, और इसका रेडियस होता है आपका अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो पहले ये प्रूव करके बताता हूं कि ये सेंटर और रेडियस कैसा है, वैसे ही बताना है जैसा अभी करा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सेंटर है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मैंने क्या करा था एक्स एक्स को एक साथ लिख लिया, वाई वाई को एक साथ लिख लिया था और कांस्टेंट को उधर ले लिया, पहला काम।
यही किया था। अब x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ, 2g, 2g का आधा करो तो g का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो, इधर y का कोएफिशिएंट क्या है 2f का आधा f, f स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो, ये कर दिया, ये क्या बन गया x प्लस जी का y प्लस एफ का, और ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और रूट का स्क्वायर, ताकि ये आ गया। अब कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो h हम कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस जी आ रहा है, k हम कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस एफ आ रहा है, और r आ रहा है रन रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो बेटा सेंटर क्या हो गया माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम डायरेक्ट भी इससे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे डायरेक्ट वो बताऊंगा, ये इसका प्रूफ हो गया कि भाई इसका सेंटर ये होता है और रेडियस भी होता। ये कहलाती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे वो भी समझ लो,
ये मैंने कंपेयर कर लिया। अब सेंटर है हमारा माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी माइनस एफ हो गया, माइनस जी मतलब 7/8 और माइनस एफ मतलब 1, ये तो सेंटर हो गया। रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर मतलब माइनस 7/8 का होल स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस सी मतलब माइनस ऑफ माइनस 1/2। 49/64 प्लस 1 प्लस 25/5/2 एलसीएम ले लीजिए 64। ये हो गया आपका 160, 224 और 49 2, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ये इसका रेडियस ऑफ सर्कल आ। इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना बेटा ऑनलाइन, रूट 273/18 ये डायरेक्ट तरीका है। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई मेथड गिवन नहीं है, ठीक है, तो यदि आए मैं तो एक एक्स्ट्रा मेथड बता रहा हूं कि कभी एमसीक्यू में आ जाए ये जल्दी होगा। स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करेगा, बट 12th